नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में बदस्तूर तबाही जारी है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। चाहे फिर आप यहाँ एनएच की बात कर ले, फोर लेन की बात कर ले, खासतौर पर शिमला कालका एनएच की बात करें तो सोलन के चक्की मोड़ के पास पिछले कुछ समय से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। यहाँ जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं है, स्थिति बेहद नाजुक है। यहाँ लगातार कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि चंद घंटों के लिए ये रास्ता खुलता है और फिर पहाड़ी दरकती है और सारा का सारा रास्ता धराशाही, सब कुछ खत्म हो जाता है। लैंडस्लाइड ने यहाँ चिंता बढ़ा दी है, हाईवे अथॉरिटी की भी, सरकार की भी, क्योंकि ये हाईवे एक ऐसा हाईवे है जो कहीं ना कहीं बहुत अहम इसलिए हो जाता है हिमाचल प्रदेश के लिए और ख़ासतौर पर शिमला के लिए, क्योंकि टूरिस्ट के नज़रिए से अगर आप इसे देखेंगे तो एक अहम भूमिका निभाता है ये। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे रास्ते पर इतना खतरा बरकरार है तो फिर कोई भी यहाँ इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहेगा। और असर इसका यही हो रहा है कि देखिए, अगर शिमला की बात करें तो शिमला में उस तरह से ना तो तबाही देखी गई जिस तरह से कुल्लू और मंडी में हुई, लेकिन फिर भी वहाँ पर टूरिज्म में फ़र्क आया है। वहाँ के होटल्स खाली चल रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि रास्ते ही सुरक्षित नहीं हैं। और इस हाईवे की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर तो आप ये कह लीजिए कि कब दुर्घटना हो जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बीते दिनों यहाँ ऐसे भी स्थिति बनी कि सुबह कड़ी मशक्कत से लगभग दो दो तीन तीन दिन लगाकर इस हाईवे से मलबा हटाया जाता है, रास्ता दुरुस्त किया जाता है और फिर शाम के समय फिर पहाड़ी दरकती है, फिर लैंडस्लाइड। बीते दिनों हालांकि छोटे वाहनों के लिए ये रास्ता खुला भी था, एक से दो दिन के लिए छोटे वाहन यहाँ से गुजरे भी, लेकिन फिर वही स्थिति आई कि लैंडस्लाइड हो गया और सब खत्म। आज सुबह भी यहाँ पर पहाड़ी दरकी है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर आज सुबह सुबह यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। जाहिर सी बात है कि खतरा अभी यहाँ से टला नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी को डरा रही हैं कि किस तरह से पहाड़ यहाँ धराशाही हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसके पीछे बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है। सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि ये इसे आप प्राकृतिक आपदा का नाम लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर छेड़छाड़ की गई कुदरत से, यहाँ पर छेड़छाड़ की गई इन पहाड़ों से, जिसके चलते आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि जो एक अहम रास्ता है वो चंद घंटों में ही बंद हो रहा है। स्थिति बेहद नाजुक है, पत्थरों की बरसात यहाँ चक्की मोड़ पर हो रही है, काफ़ी तबाही अब तक बरप गई है, कई हादसे आज तक इस रास्ते पर हो चुके हैं और अभी भी ये क्रम लगातार जारी है। जाहिर सी बात है, इस नेशनल हाईवे की आप बात करें, जिस तरह से यहाँ पर पत्थर दरक रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि राजमार्ग को सामान्य रूप से सुचारू रखने के लिए जद्दोजहद जारी है, मशीनरी मौके पर तैनात की गई है। जैसे जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, दूसरी ओर से जो विभाग है, जो मशीनरी है, वो अपना काम कर रहे हैं, लैंडस्लाइड से जो मलबा आया है उसे हटा रहे हैं, फिर रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन इस सब से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सबको मालूम है कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। कब तक आप इसी तरह आप कह सकते हैं कि जुगाड़ के जरिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो खतरा है वो खतरा कुछ दिन का नहीं है, बल्कि एक परमानेंट खतरा ये बन चुका है और इस खतरे का परमानेंट ही सॉल्यूशन निकालना होगा। खैर, इस सारी चीज़ों के बीच में अगर आज हम बात करें तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री खुद मौके पर गए और उन्होंने यहाँ पर बकायदा मुआयना किया। पुलिस की टीम उनके साथ थी और बाइक पर सवार होकर खुद डिप्टी सीएम ने यहाँ जो पहाड़ दरक रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, जो चिंताजनक है, उस स्थिति का खुद मुकेश अग्निहोत्री ने मुआयना किया और हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से जाना समझा। जिस तरह यहाँ तबाही बरप रही है उसे देख कर यकीनन डिप्टी सीएम भी हैरान हो गए। बेतरतीब तरीके से जिस तरह से यहाँ पर काटा गया है पहाड़ को, उस
से मुकेश अग्निहोत्री काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने खुद ये बात मानी कि जैसे यहाँ पर पहाड़ों की कटिंग की गई है बिल्कुल अवैज्ञानिक है। केवल और केवल इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि हम किस तरह से पहाड़ों से ज्यादा पत्थर रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रास्ता बनाने की सामग्री है वो इन्हीं पहाड़ों से निकाला जाए, उसी से रास्ता बनाया जाए, और वही अवैज्ञानिक तरीका जो है वो आज यहाँ के लोगों पर भारी पड़ रहा है। आज हालत ये है कि रास्ता चंद घंटे भी खुला नहीं रह पा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इसके बारे में अब हमें गहनता से सोचना होगा। खुद मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे हुए थे मुआयना करना। मुआयना करने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। आज मौके पे जाके आया और वहाँ पे पहाड़ ऊपर से दरक रहे हैं, पत्थरों की बरसात ऊपर से हो रही है और नीचे जो सड़क है वो सारी लुप्त हो चुकी है। टेम्परेली जो है थोड़ा रास्ता बनाया हुआ है, तो ये जो क्षतिपूर्ति स्थिति है उसका हमने आज जायज़ा लिया और हाईवे अथॉरिटी के लोगों से भी बात हुई। वो तो अभी कह रहे थे कि टेम्परेली इसको चलायमान रखने की कोशिश हो रही है कि किसी ढंग से गाड़ियाँ चलाई जा सके, रास्ता खुला रह सके, और अन्यथा जब मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद 30 से 45 दिन लग के ये सड़क द्वारा से बनेगी इस स्थल पे। इसके पीछे भी जो है पहाड़ से मलबा आया हुआ है, साइडों पे पड़ा हुआ है या पत्थर अभी दरक रहे हैं, या इस तरफ को भी सोलन को आते हुए भी बहुत जगह जो है पहाड़ से बोल्डर आए हुए हैं, पत्थर आए हुए हैं। तो ऐसे में लोगों का लगातार ये सवाल है कि ये जो रास्ता था ये कभी बंद नहीं हुआ था। कालका शिमला जो था जब तक टू लेन था तो ये बड़ा सुदृढ़ रास्ता था, इसको फोर लेन करने का जब फैसला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है और निर्माण में पहाड़ों को अनसाइंटिफिक तरीके से काटा गया है, बेतरतीबे तरीके से काटा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर निकालने की पहाड़ से कोशिश हुई है ताकि उस सड़क के में जो है बजरी भी उसी से बन जाए, उसी से जो है रिटेनिंग वाल लग जाए, उसी पत्थर से जो है आपके नीचे डंगा लग जाए। तो पहाड़ को इस एंगल से काटा गया कि अब जैसे बरसात हो रही है, थोड़ी सी अधिक बरसात हो गई तो वो ये पहाड़ अभी नए पहाड़ हैं, शैशव काल में हैं, ये बहुत परिपक्व पहाड़ तो है नहीं, इनका मूल्यांकन किए बगैर जो है उसका कटान कर दिया ठेकेदारों ने जिनको ये सड़कें मिली थी। और इसलिए पहाड़ों में फोर लेन कैसे बने, पहाड़ों में नेशनल हाईवे कैसे बने, इसकी नीति का द्वारा मूल्यांकन करने की तो जरूरत। तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने सीधे तौर पर यह भी माना कि सड़कें हिमाचल की लाइफलाइन हैं और ये जो रास्ता है क्योंकि बहुत अहम है, ये NH बहुत अहम है हिमाचल प्रदेश के लिए, खासतौर पर टूरिज्म सेक्टर की अगर आप बात करते हैं, और इसे किसी भी सूरत में बहाल करना ही होगा। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये बात भी कही कि निर्माण में जो भी खामियां रही हैं उसके चलते ये हादसे हो रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं, और अब ऐसे में हाईवे अथॉरिटी को चाहिए देखें कि ऐसी क्या वजह है, क्या वजह रही है जब इसका निर्माण किया गया, जिन ठेकेदारों को जिम्मा दिया गया था उन ठेकेदारों ने कहाँ कितनी लापरवाही बरती है, कहाँ पर कोताही हो गई है, इस सब को लेकर विचार विमर्श होना चाहिए। क्या कहाँ पर जो काम जिस तरीके से होना था उसमें कितनी कोताही बरती गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है। और सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि देखिए अथॉरिटी को अब चाहिए कि आला जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ आए, बैठे, मीटिंग करें और इस हालात से हिमाचल की को कैसे निकाला जाए, इस NH पे कैसे एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो जनता को दिया जाए ताकि जो पहाड़ है वो इस तरह से ना दरके, इस पर अब विचार विमर्श करना चाहिए। उन्होंने तौर पर कहा कि देखिए NH तो बना दिया लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं दिया कि कल को अगर इस तरह की आपदा आती है
उसके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए, उसके बारे में विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्या कुछ कहा है, क्या सलाह उन्होंने यहाँ पर हाईवे अथॉरिटी को दी है, वो हम आपको सुनवाते हैं। की भी बात है, पुलियों की भी बात है, कहाँ पुलियाँ बनाई कहाँ नहीं बनाई। पहले पुल जो है बनता ही धराशायी हो गया था इसी लाइन पे जी। एक एक जो है फोर लेन पे आप कितने घर से देखेंगे कि आपने पुल बनाया पुल चला गया, आपने जो है रास्ता बनाया रास्ता चला गया। आपने पहाड़ों, अगर आपने पहाड़ों का कटान किया था तो आपके पास वो टेक्निक होनी चाहिए थी कि पहाड़ों को कैसे आने वाले टाइम में रोक के रखना है। उस पॉलिसी पे भी वर्क किया जाता तो, लेकिन उनको खुला छोड़ के चले गए। और आगे तक आप देख रहे हैं कि 10-12 जगह पे बहुत भारी मलबा आया है और सड़क बंद हो रही है। तो इसलिए ये तो बड़े मेजर नुकसान हुए हैं। हालांकि इसको जो द्वारा से सही करना है ये हाईवे अथॉरिटी ने ही करना है, लेकिन जितना नुकसान हुआ है, पैमाने का जो नुकसान हुआ है, उसके चलते इनको देखना तो चाहिए कि ठेकेदार कर क्या गए हैं यहाँ जब सड़कों का निर्माण। तो सुना आपने क्या कुछ इस एनएच को लेकर मुकेश अग्निहोत्री का कहना है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम की बात करें तो उन्होंने एचआरटीसी को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो घाटा पहुंच रहा है लगातार सड़कें बंद होने की वजह से, उस पर भी अपनी बात रखी है। और उन्होंने कहा कि एचआरटीसी, क्योंकि एचआरटीसी देखिए लाइफलाइन तो कही जाती है हिमाचल प्रदेश की, लेकिन उसके साथ एक बात ये भी है कि वो पहले से ही घाटे में चल रही थी। और अब जिस तरह से आपदा आई है और पहले काफ़ी सड़कें पहले बंद रही, आज भी अगर आप देखें तो लगभग 300 से ज़्यादा रास्ते बंद है, इसमें एचआरटीसी का घाटा बड़ा है। और ऐसी तबाही के बीच में एचआरटीसी को रोज़ाना 35 से 37 लाख रुपए तक के बीच का नुकसान हो रहा है। एचआरटीसी की वर्तमान स्थिति पर क्या बोले हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो भी आप सुनिए। हमें एचआरटीसी को रोज का 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से, क्योंकि ऐसा है कि हम 3200 बसें चलाते हैं, 3600 रूट्स पे बसें चलती हैं, और एक एक दिन में अगर हजार हजार 1200-1200 रूट नहीं चलेंगे, इतनी सड़कें अवरुद्ध हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे हमारी जो आय है वो लॉन्ग रूट से है और वॉल्वो बसेस से है, या जो हमारी सुपर डीलक्स हैं उन बसेस से हमारी आय है। और अगर ये शिमला बंद हो जाता है, शिमला दिल्ली बंद हो जाता है, या जो है दूसरे रास्ते बंद हो जाते हैं, मनाली दिल्ली बंद हो जाता है, तो हमें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। और एचआरटीसी लगभग रोज़ जो है 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान झेल रही है, लेकिन हमारे ड्राइवर जैसे ही रास्ता खुलता है जान हथेली पर रख के जो है हम गाड़ियां चला रहे हैं। ऊपर से पत्थर दरक के आ रहे हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर हमारे कंडक्टर बसों को सुरक्षित रखते हुए, जब इतनी बाढ़ आई थी उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने बसों को सुरक्षित जगह पे पार्क करके रखा था कि इनको बचाया जा सके, क्योंकि ये स्टाफ में ये भावना है कि ये हमारी संपत्ति है। लेकिन क्योंकि वैसे भी हम बहुत घाटे में हैं और ऊपर से इस प्रकृति मार की वजह से हम और घाटे में जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारे IPH का सवाल है, हमें 1650 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है, और हमने केंद्रीय मंत्री से, अभी मैं मिल के आया हूँ दिल्ली में, हमने उनसे कहा है कि आप जो है 1650 करोड़ का कम से कम हमें 500 करोड़ रुपए तो जारी करें। तो सुना आपने क्या कुछ डिप्टी सीएम का कहना रहा है। कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि जब तक हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते जो ये तबाही हो रही है, इससे जब तक हिमाचल उबर नहीं पाता है, जाहिर सी बात है एचआरटीसी का घाटा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर जो मुख्य मुद्दा था एनएच को लेकर, उस पर अब देखना होगा कि हाईवे अथॉरिटीज़ आने वाले दिनों में क्या बड़े कदम उठाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर अब ज़रूरत है तो एक परमानेंट सॉल्यूशन की। तो देखना यह है कि अथॉरिटीज़ क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ पाती हैं या फिर नहीं। खैर, इस मसले को लेकर हम आपसे भी एक सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। अभी इस NH पर खतरा लगातार बरकरार है, लेकिन कोशिशें यही की जा रही हैं कि इस हाईवे को टेम्प्ररी खोल दिया जाए ताकि जो वाहन चालक हैं उन्हें दिक्कतों का
का सामना ना करना पड़े। आप अपनी राय यहाँ ज़रूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि अभी इस हाईवे को दुरुस्त करके खोलना सही है या फिर एक पक्का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और उसके बाद यहाँ से आवाजाही को शुरू करना चाहिए। ज़रूर आप हमें अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।